محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخيرا وناصرا وذليلا وهينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذب الله عنهم الرضا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اللهم صل على محمد अभिदाने में मोहतरम अरबाब दानिश खुदा वल्द आलम सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाते हैं इन अव्वल बैतिन वुज़ अलि नास यानी के बेशक अल्लाह ने पहला घर बनाया इंसानों के लिए लल्लजी एवे बक्कता मुबारकन बहुदल लिल आलमीन तो बहुत ही बरकत या पक्का घर है जो आलमीन के लिए मरकज़े हिदायत है। आलम कहते हैं एक दुनिया या एक जहान या एक वर्ल्ड और आलमीन माने सारी दुनिया या सारे जहान या सारे वर्ल्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह आलमीन का रब है रसूल रहमतुल्लिल आलमीन रसूल आलमीन के लिए रहमत है उसी तरह काबा हुदल्लिल आलमीन काबा आलमीन के लिए मरकज़े हिदायत आवाज बुलंद सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद हम अल्लाह से पूछे या अल्लाह ये घर कैसे हिदायत करेगा ये तो मिट्टी का मेरा हुआ घर है ये तो पत्थर का मेरा हुआ घर है ये तो ईंटों का मेरा हुआ घर है ये कैसे हिदायत करेगा ये मिट्टी ईंटों का बना हुआ मिट्टी ईंटों पत्थर का मेरा हुआ घर ये कैसे हिदायत करेगा ना तो ये बोल सकता है ना तो बता सकता है अरे क्या बात है सुन सकता है ये कैसे हिदायत करेगा तो अल्लाह इसी आयत में इरशाद फरमाता है कि फी आयातुन बय्यिनात इसके अंदर जाहिर साफ निशानियां हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम इस निशानी कैसे हिदायत करती है इसके लिए हम छोटी सी एक मिसाल लेंगे जैसे हम गाड़ी में रोड पर आए हमने क्या देखा एक सिग्नल लगा हुआ है
तीन लाइट जलती है, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन। यदि येलो लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती इंतजार करती है, और यदि रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती है, और यदि ग्रीन लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां चलने लगती है। तो हमने क्या देखा, ना तो सिग्नल बोला, ना तो कोई हरकत, ना तो चला, लेकिन उसने अपने इशारों से समझा दिया कि कब रुकना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है। इसी तरह काबा भी हिदायत करता है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। पहली जाननी इसी आयत के अंदर है, इन्ना अव्वला बैतिन वुद अल नास लल्लज़ी बे बक्कता मुबारकन वहुदल लिल आलमीन। आए हम पहली निगरानी की तरफ चलते, काबा शुरू से ही मक्के में था और आज भी मक्के में है और कयामत तक मक्के में रहेगा, ना तो खत्म होगा, ना तो चेंज होगा, ना तो इसके बदले कोई और काबा आएगा, ये हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये नहीं किया कि अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि फी मक्का, ये मक्के के अंदर है, बल्कि कहा बे बक्का, मेरा घर बक्का है। फिर कानून फितरत है इंसान का, जो चीज इंसान को पसंद होती है इंसान उसी के नाम पर अपने घर का नाम रखता है। जैसे मोहम्मद मुस्तफा पसंद, जैसे मुस्तफा हाउस, जैसे अली से इश्क, जैसे अली हाउस, जैसे हुसैन से मोहब्बत, हुसैन हाउस, जैसे अब्बास से प्यार, अब्बास हाउस। इसी तरह अल्लाह को रोना इतना पसंद है कि उसने आपके अपने घर का नाम इसी पर रख दिया कि मेरा घर है बक्का। बक्का क्या है? आए हमारे इमाम मासूमी ने पूछते हैं, या इमाम मासूमीन ये मक्का क्या है? हमारे छठे इमाम इमाम सादिक फरमाते हैं कि मक्का ऐसी जगह, ऐसी भीड़ जहाँ के लोग रोए, आंसू बहाए, आओ बुका करें, आओ हुज़ानी करें। रोना कानून फितरत है, रोना हयात की निशानी है। तो कैसे पता चलता है कि बच्चा जिंदा है या मुर्दा? जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आया, यदि रोया पता चला जिंदगी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बच्चे दुनिया में आया ना रोया तो पता चला मौत ही मौत यकीनन आ गई। तो इससे क्या पता चला कि रोना हयात की निशानी है, रोना दुनिया की निशानी है। ऐसे ही अल्लाह को ये रोना इतना पसंद है उसने अपने घर का नाम इसी पर रख दिया कि मेरा घर बक्का है। हमारा शुक्र कि अल्लाह ने हमें रोने वाली कौम में दफना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारे रोने वाले आंसुओं में
सदी मस्ती को छोड़ दिया। जैसे ही आवाज आई यह होते हैं वैसे ही वहाँ आंसू बहने लगे। जैसे यहाँ आवाज आई अस्सलाम अलैल होते हैं वहाँ रोना शुरू। लेकिन मेरे नाना जान डॉक्टर वर नहीं बखी फरमाते हैं कि फितरत मौलूद है शेख की आदा। फितरत मौलूद है शेख की आदा, इसलिए आता है ये रोता हुआ। हमारा सलाम उन बीबियों पर कि जिनको रोटी नहीं दिया गया। हमारा सलाम उस नन्ही सगीना पर जब वो अपने बाबा को याद करके रोती थी तब शिमर आके तमाचे मारता था। हमारा सलाम उस बीबी रैनब पर जब वो रोती थी उनकी पीठ पर नारियां ने मार पड़ा। लेकिन हमारा सलाम हो उसे माँ पर जो उसे पर रोते नहीं बल्कि खून के आंसू रोते हैं। जो रियादत नाइया में फरमाते हैं ऐ मेरे जद्द मज़लूम हुसैन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं खून के आंसू रोऊंगा। लेकिन पूछने वाले ने पूछा मौला आपको कौन सा करबला का मंजर खून के आंसू रोलाता है। तब वो मंजर जब मैंने अली अकबर के सीने पर बर्की लगी और वो जब घोड़े से नीचे गिरे तो उनके लाश के टुकड़े हो गए। काश अली अकबर जिंदा होते तो वो भी खून जादू रोते तो पूछने वाले ने दोबारा से पूछा मौला आपको क्या वो मंत्र आता है याद आता है जब खातिम जमीन से घोड़े से जमीन पर गिरे और उनके लाश के टुकड़े हो गए और जब हुसैन ने उनके लाश के गठरी बना के गहने में लाए क्या आपको वो मंजर खून के आंसू रोलाता है। तो मौला फरमाते कि काश के खातिम जिंदा होते तो वो भी खून के आंसू होते। और पूछने वाले ने पूछा क्या मौला आपको वो मंजर खून के आंसू रोलाता है जबकि अब्बास के बाजू कट दे रहे दरिया फरात पर और उसे पूछने आए थे कि आपको वो मतलब खून का आंसू रोलाते हैं। मौला रोके हुए फरमाते कि हाँ अगर अब्बास जिंदा होते तो वो भी खून का आंसू रोते। तो पूछने वाले ने पूछा मौला क्या आपको वो मतलब खून का आंसू रोलाते हैं। उसे हुसैन की मजलूमियत हुसैन की गुर्बत जबकि हुसैन जीन से जमीन पर आए ना तो जीन पर थे ना तो जमीन पर बल्कि सीरों पर थे। जब उन्होंने आखिरी सजदा करा और अल्लाह ने कहा कि या अल्लाह मेरी आखिरी कुर्बानी को कबूल फरमा और जब शिमर आया उसने तेरा रंग मोने मेरे मौला के गर्दन काटी क्या को वो मंदर खून का आंसू रोलाता है। मौला रो के हुए वो फरमाते ये कार के होते हैं निन्ने होते हैं अरे मेरी फूफियों की चादर है अरे मेरी फूफियों का पर्दा। हमारा सलाम हो उन बीवियों पर जब वो दरबार आई थी तो दरबार की फजर की अजान हुई थी। जब रात को ईशा की अजान हुई तब तक किसी ने ये ना पूछा कि ऐ अली की बेटू बैठ जाओ ऐ अली की बेटू।
दो, पानी पियो, लेके बैठ दो, खाना खाओ। लेकिन हमारा सलाम हो उन बीवियों पर जो वो शाम के भरे दरबार बाजार में गुजरती थी तो लोग पत्थर मारते थे, हमारी बीवियां जख्मी हो जाती थी और कहती थी आए बाबा आए नाना जान आए भाई अब्बास, अगर काश अब्बास ना मारे जाते फिर हम ना हमारे सर हमारे कम कर पत्थर मारे ना जाते, ना हुसैन की गर्दन कटती, ना हमारे सर से ये चादरें उठती।